वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, इट्स सी 2024 पेपर। सो लास्ट टू डेज बिफोर हम लोग का पेपर हुआ था एंड टुडे आईआईटी रिलीज द आंसर की फॉर द सीट एंड यूसीट बोथ। सो हम लोग बोथ पेपर को डिस्कस करेंगे, बट अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करेंटली इट्स अ सीट पेपर। और सीट में भी मैं अभी आपका साथ जस्ट थोड़ा सा नेट पार्ट को डिस्कस करूँगा, कंप्लीट नेट पार्ट, देन MSQ की मार्किंग्स एंड वन टू मोर क्वेश्चन जो हम लोग क्लेम कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा होगा। और इफ़ यू आर फाइंडिंग समथिंग एल्स ऑल्सो पॉइंट्स कि सर ये लग रहा है या समथिंग कोई डिफरेंट पॉइंट्स, एनी क्वारी, देन प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो। मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा और ट्राई टू मेक अनदर वीडियो अगर लगा सपोर्टिंग। सो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट इज़ अ सीट 2024 पेपर जो आप देख रहे हैं, जिसमें नैट, MSQ एंड MCQ पार्ट में आया था। टोटल 150 मार्क्स का था एंड द टोटल 8 क्वेश्चंस वाज देयर एंड आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। इन द क्वेश्चन नंबर 1 दे आर सेइंग दैट 3 इमेजेस आर गिवेन, जिसमें 1 डायमेंशंस आर गिवेन है, 1 हाइट, 4 ब्रेथ, 1 हाइट 4 ब्रेथ, टोटल डायमीटर इज 6 एंड हाइट इज द इसका गिवेन है, टोटल हाइट 1, इसका सिलेंडर का हाइट 1 है, राइट। नाउ द पॉइंट इज दे आर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टैक टुगेदर, the two objects on the left side are stacked on the yellow object on the right side, means blue वाले को भी yellow के ऊपर मर्ज करेंगे एंड purple को भी yellow के ऊपर मर्ज करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। पॉइंट यह है, जब ब्लू को मर्ज करेंगे तो ब्लू का जो होल है डैट इज़ पैरेलल टू द सरफेस, बट पर्पल का जो होल है डैट इज़ नॉट पैरेलल टू द सरफेस, इट इज़ 45 डिग्री। तो जो मर्जिंग होगी हमारी फिगर की, द फिगर की मर्जिंग जो होगी, इट विल लुक लाइक दिस, कि जो ब्लू वाला होगा वो हमारा थोड़ा सा ऐसा व्यू आएगा। अगर मैं 3D में इसको ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ आप लोग के इमेजिनेशन का, राइट। सो इट विल बी लुक लाइक दिस, मैं इसको ग्रीन से कर दे रहा हूँ। सो ये यहाँ पर ऐसे इसको ऊपर मर्ज्ड हो जाएगा, राइट। अब इस ब्लू के ऊपर जब पर्पल कलर हमारा पर्पल वन मर्ज होगा, सो इट विल बी बिकॉज उसका होल जो है डैट इज़ नॉट पैरेलल टू द सरफेस, वो थोड़ा सा एंगल पे जाएगा। आई होप क्लियर है सबको, ये विजुलाइजेशन क्लियर है, राइट, कि वो एंगल पे क्यों जाएगा एंड वो हमें थोड़ा सा ऐसा व्यू देगा। इन शॉर्ट अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये सिलेंडर हो गया आपका फ्रंट व्यू का, ये उसका टॉप हो गया, दिस इज़ द बॉटम वन ब्लू वन जो आएगा और दिस इज़ द उसके ऊपर जो मर्ज होगा पर्पल वन। सो नाउ इन दिस वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेज, इन दिस वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेज इन द गिवन फिगर। तो हाउ मेनी सर्फेसेज इन द गिवन फिगर, कितने होंगे सर्फेसेज? तो जब इसको आप बनाओगे तो सर्फेसेज हमारे कितने आएंगे इसमें, वो हमें काउंट करने हैं टोटल। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो जब हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग बॉटम वन इज़ द वन सर्फेस, बॉटम इज़ द वन, सिलेंडर का बॉर्डर 2, टॉप इज़ द 3, बिकॉज डायमीटर ज़्यादा है तो सरफेस पूरा कनेक्टेड रहेगा। देन जो हमारा इन दिस वी हैव अ 4 सरफेसेस एट द कॉर्नर्स, तो 4 सरफेसेस, 3+4, हियर वी गेट द 7। देन टॉप का जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 7+4 डैट इज 11। देन इन द पर्पल वन पे यहाँ से बॉटम में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सो 11+4 डैट इज 15। पर्पल का 4 सरफेस कॉर्नर में, 15+4 डैट इज 19, राइट, डैट इज 19। देन आफ्टर दैट पर्पल का टॉप सरफेस डैट इज 20 एंड 1, 2, 3, 4 एंड टॉप में 5। तो ये जो हमारा प्रिज्म, आप सॉरी, ये जो आपका क्यूबॉइड है, जो हमारा स्क्वायर हाइटेड है, उसके 5 सरफेसेस। सो आंसर इज 25 सरफेसेस आर टोटल, और हमारे आंसर की में भी 25 गिवन है। सो आप इस क्वेश्चन को क्लेम नहीं कर सकते, दिस इज़ करेक्ट बोथ, जो आंसर की रिलीज किया गया है 25 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड हाउ वी गॉट अ 25 क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग को भी क्लियर है ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्यू लेटर्स आर फ्लिप्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, डैट इज़ द मिरर इमेज लिखा भी है। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप लेटर्स इन द ग्रुप, कितने लेटर्स
हमें ये फाइंड करने हैं जो फ्लिप्ड है, हाउ मेनी टोटल लेटर्स आर फ्लिप्ड। द मेन पॉइंट इज देयर ओनली फ्लिप लेटर्स वी हैव टू काउंट, ओनली फ्लिप्ड वन। तो विच वन इज द फ्लिप्ड आर वन, दिस इज पी क्यू टू डी थ्री ई फोर, लेटर्स नॉट अल्फाबेट, ये काउंट नहीं करेंगे, राइट। फोर जे फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, दिस अगेन सिक्स, देन और कोई दिख रहा है यहाँ पर, दिस अगेन पी सेवन, एच नहीं काउंट होगा, टी नहीं काउंट होगा, एम नहीं काउंट होगा, वाई नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं, एन नहीं होगा, बिकॉज दी ज़्यादा एस नहीं होगा, दी ज़्यादा एक्चुअल इमेजेस और एक्चुअल अल्फ़ाबेट्स, वी हैव टू काउंट ओनली फ्लिप्ड वन। वो कितने हैं टोटल, सेवन। सो दिस इज द सेवन आंसर, और आंसर की में भी सेवन इज गिवन, सो दिस इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, इन क्वेश्चन नंबर थ्री दे आर सेइंग हाउ मेनी यूनिक शेप्स आर देयर इन द गिवन इमेजेस। अगर हमें ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एग्जाम में, तो हमें कर कैसे सकते हैं, बाई काउंटिंग इन द रो वाइज, इधर यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम राइट, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, एंड नंबरिंग करना होता है। लाइक अगर मैं इसमें स्टार्ट करूँ, तो हाउ मेनी इमेजेज आर देयर, दिस इज वन यूनिक, राइट, दिस इज वन, देन उसके बाद दिस इज टू, दिस इज थर्ड न्यू वन, दिस इज फोर्थ न्यू वन, दिस इज फाइव अगेन न्यू वन, नॉट मैचिंग विद द फर्स्ट, इसमें देखिए इसका कर्विंग है एंड ये पॉइंटेड है, फिफ्थ इज डिफरेंट, दिस इज अगेन थर्ड वन, सेम हो गया थर्ड, दिस इज अगेन एज अ फर्स्ट वन, दिस इज अगेन एज अ थर्ड वन, नेक्स्ट फिगर सेम एज अ फोर्थ वन, कमिंग टू द बॉटम सेम एज अ, ऑलरेडी वी काउंटेड सेम एज अ फर्स्ट वन, दिस इज न्यू सिक्स्थ वन, बिकॉज कोई मैच नहीं कर रहा ना, वन टू थ्री फोर फाइव से नया आई है सिक्स्थ वन, दिस इज अगेन न्यू बिकॉज ऑफ दिस सेवन्थ वन, अभी हमने काउंट नहीं किया इसको, दिस इज सेवन्थ वन, दिस इज अगेन न्यू एट वन, तो आउट ऑफ एट फिगर्स ये रिपीट हो रहा है, दिस इज रिपीटिंग, नो, दिस इज टेंथ वन, दिस इज टेंथ वन, दिस इज रिपीटिंग 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 रिपीटिंग, नेक्स्ट रिपीटिंग, ये भी विजुअल दिख रहा है रिपीट हो रहा है, रिपीट, ऑल आर द अदर फिगर्स आर रिपीटिंग नाउ, यू कैन एनालाइज। सो हाउ मेनी टोटल डिफरेंट फिगर्स आर देयर इन दिस फिगर, हाउ मेनी डिफरेंट फिगर्स आर देयर और डिफरेंट डिजाइंस वी यूज्ड, टोटल 10 डिजाइंस आर देयर, आई होप क्लियर हो गया 10 डिजाइन कौन से हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल टाइप क्वेश्चन, आप इसको अटैम्प्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर फोर इज बेस्ड ऑन द एरिया कॉन्सेप्ट और यू कैन से एज अ सर्कल कॉन्सेप्ट प्लस साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ द पेपर। सो एज अ डिजाइनर वी हैव टू डू टू थिंग्स, यूज टू थिंग्स, पेंसिल एंड पेज। सो पेंसिल की नॉलेज एंड पेज की नॉलेज हमें होना चाहिए, दैट्स वाई दे ऑलवेज समटाइम दे आस्क अबाउट द पेंसिल्स ऑल्सो, लाइक वट इज द डिफरेंस बिटवीन एच बी टू एच फोर बी एंड वट आर द डिफरेंसेज एंड अलदर, एंड सेम विद द पेजेज कि वट इज ए फोर पेपर, ए फाइव पेपर, ए टू पेपर, ए वन पेपर, दी ज़्यादा थिंग्स। अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूँ एज अ डिज़ाइनर, बिकॉज मैंने भी जब पढ़ा था, तो एज अ डिज़ाइनर जब मैंने पेज का हमें गाइड किया गया था, आपको भी कॉलेज में गाइड किया गया होगा, आपने भी पढ़ा होगा ये चीज, कि द बिगेस्ट पेज इज़ द ए नॉट, द बिगेस्ट पेज इज़ द ए नॉट, सबसे बड़ा पेज होता है हमारा ए नॉट, ए जीरो। ए जीरो को जब हम हाफ फोल्ड कर देते हैं इट विल बिकम ए वन, ए वन को जब हम अगेन हाफ फोल्ड करते हैं तो इट विल बिकम ए टू, ए टू को फर्दर हाफ फोल्ड करते हैं देन इट विल बिकम ए थ्री, वेन वी फोल्ड ए थ्री फर्दर हाफ तो इट विल बिकम ए फोर। सो दिस इज द ए फोर पेपर जो हमारी एक्चुअल कॉपी में यूज होती है एज अ ड्रॉइंग सीट और एज अ प्रिंटिंग पेपर जो हम लोग यूज करते हैं, डेट इज द ए फोर। इसको फर्दर हम हाफ फोल्ड करते जाएंगे इट विल बिकम ए फाइव एंड सो ऑन। सो दे आर आस्किंग अबाउट द ए फोर पेपर, तो फर्स्ट थिंग ए फोर पेपर का डायमेंशन हमें याद होना चाहिए, बिकॉज आप अपने रफ सीट में, आप अपने ड्राॅइंग सीट में और फ्रॉम द चाइल्डहुड और एंड ऑफ द लाइफ तक हम मैक्सिमम टाइम ए फोर पेपर ही यूज करेंगे, एंड द डायमेंशन इज 210 बाई 297 mm, मीन्स जो पेज हम ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप अपनी कॉपी में देखेंगे ओपन करके, तो जो आपका पेज है, राइट, जो आपका एक्चुअल पेज है उसकी हाइट जो होगी डैट विल बी इन सेंटीमीटर, इट विल बिकम
29.5 or 7, you can say 29.7 centimeter, 29.7 centimeter, and breadth होगी 21 centimeter. So this is the dimension of the A4 paper. This is the dimension of A4 paper. Now they are asking how many paper cup you can made from this with the base 5.5 and height का जो diameter है, height is 6.5 and the breadth is also 6, diameter is also of the top is 6.5, top का diameter 6.5. और हम सबको पता है कि जब हम सिलेंडर को बनाने के लिए वी फोल्ड द पेपर इट विल बिकम द सिलेंडर. इन द सेम वे फॉर मेकिंग द पेपर कप हम लोग इस कट पीस को फोल्ड करेंगे एंड वी विल गेट द पेपर कप, वी विल गेट द पेपर कप लाइक दिस. सो दिस विल बी द सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस इज द 2πr. दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल सर्कमफ्रेंस टू 2πr1. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर जो हम मिस करते हैं एज अ स्टूडेंट कि हम पेपर कप को नीचे से क्लोज भी करना होता है. वी हैव टू क्लोज द पेपर कप फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो, जिसके लिए हमें एक सर्कुलर पेज चाहिए होता है तभी हम उसको क्लोज कर पाएंगे. डैट इज पाई आर स्क्वायर एरिया के बराबर, जिसका डायमीटर कितना होगा 5.5 डायमीटर होगा. देन ओनली वी कैन क्लोज द पेपर कप बॉटम से. ओपन तो रहेगा नहीं, तभी तो पेपर कप यूज करेंगे, कप कैसे यूज होगा अदरवाइज क्लोज नहीं होगा. तो इन शॉर्ट पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस बिगेस्ट वन. तो 2π 2 × 3.14 × दिस इज द बिगेस्ट टॉप वन 6.5 upon 2, तो 2 कैंसिल, 3.14 × 6.5. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, तो हमारा वैल्यू आएगा 3.14 × 6.5. सो वी विल गेट द आंसर नियर अबाउट 20.5 सेंटीमीटर. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 20.5. दैट मीन्स सबसे बेस्ट होगा कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूँगा, बिकॉज ओपन करने पर मुझे ये पेज चाहिए. तो आई विल कट हियर एट इट एज अ हॉरिजॉन्टली. ऐसे हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, चाहे उल्टा आप कट कर लो चाहे ऐसे. सो दिस विल बी 20.5 एंड हाइट विल बी 6.5, क्योंकि हाइट तो वही रहेगी सेम 6.5. तो डैट मीन्स हम यहाँ पे एक और हाइट का कट कर सकते हैं. वी कैन कट हियर वन मोर सेम हाइट 6.5. वी कैन कट हियर मोर 6.5 हियर ऑल्सो, राइट 6.5. सो वन मोर 6.5 हाइट. सो डैट मीन्स हमने 3 पीसेस कट कर लिए ऑलरेडी. हमने 29 में से 3 पीसेस कट कर लिए. 29 में से 3 पीसेस कितना यूज कर लिया हमने टिल नाउ, यहाँ पर हमने यूज कर लिया 19.5. रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट इज द 10 अप्रॉक्सीमेटली. वी आर लेफ्ट विद द 10. अब यहाँ पे हमारा 10 पार्ट हमारा जो लेफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर हाइट में, वहाँ पर अब हम और कटिंग नहीं करने वाले. क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हमें बेस में भी क्लोज करना होगा, तो मुझे सर्कल चाहिए 5.5 डायमीटर का. नाउ हियर वी आर कटिंग 3 सर्कल्स 5.5 5.5 5.5, बिकॉज आफ्टर दैट वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग. इसके अलावा हमें पास कोई और लेफ्ट पार्ट पोर्शन जो होगा दैट इज द वेस्ट. तो दैट मीन्स मैक्सिमम हाउ मेनी कप वी कैन मेड हियर, वी कैन मेड ओनली 3 कप्स मैक्सिमम, रेस्ट हमारा पेपर वेस्ट हो जाएगा. सो मैक्सिमम 3 पीसेज हम लोग यहाँ पे कप बना पाएंगे, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा, राइट पेज वेस्ट होगा हमारा रेस्ट. सो दिस इज अ मोस्ट टाइम वेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप कह सकते हो कि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट कर सकता है अगर आप इसको सॉल्व करोगे. इट्स नॉट लाइक कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट ये आपका टाइम वेस्ट करेगा डेफिनेटली. सो आंसर इज 3 जो हम लोग को आंसर की में भी गिवन है, तो ये भी सही है आंसर की में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स आर देयर दैट आर मिरर इमेज और एक दूसरे के ऊपर कंपोजिशन किया गया है. तो साइकिल के लिए मैं क्या चेक करूँगा, आई विल चेक द पैडल. अब हम पैडल पर फोकस करते हैं. हियर आई एम गेटिंग 1 पैडल, 2, 3 and 4, राइट 2 सीट. सेम हियर 5, 6, 7, 8. कमिंग टू द राइट साइड 9, 10, 11, 12. कमिंग टू द लेफ्ट साइड 13, 14,
15, 16. तो हाउ मेनी टोटल साइकिल्स आर देयर जो मर्ज करा जा रहा है एक दूसरे पे, मिरर इमेज तो नहीं हो सकती, दूसरे पे मर्ज करके जो हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज अ 16 साइकिल्स. दिस इज अ इजी क्वेश्चन दैट वी कैन अटेम्प्ट इन 1 मिनट. तो आंसर इज 16 और आंसर की में भी 16 ही गिवन है, दैट इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज अगेन वन ऑफ द टाइम वेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं अगर हमें आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो पा रही है. इसमें प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हम स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करोगे इन क्वेश्चन नंबर 6. बट आंसर एक ही प्रॉपर्टी से आएगा जो 5 के 5 फिगर्स में मैच करना चाहिए. एंड द प्रॉपर्टीज दैट ऑलवेज रिमेंबर इन दिस, ऑलवेज द स्मॉलर नंबर यूज टू मेक द बिगर नंबर. मीन्स 12 जो फ्रेम किया जा रहा है वो 2 एंड 4 को यूज करके किया जा रहा है. तो 2 एंड 4 का मैं क्या करूं जो 12 बन जाए. तो मैंने 2 इंटू 4 कर दिया, डैट इज 8, और प्लस खुद का हाफ 4. सेम विद द सेकंड, 10 इंटू 5 डैट इज 50, प्लस 50 का हाफ 25, 75 आ जाएगा, यू विल गेट 75. थर्ड बॉटम फिगर 6 इंटू 7 डैट इज 42, और 42 में खुद का हाफ करेंगे. इन द 42 वी विल ऐड 42 का हाफ, दिस विल बिकम 63. नेक्स्ट फिगर 8 इंटू 3 इट विल बिकम 24, प्लस 24 का हाफ, सो इट विल बिकम 12, डैट इज 36. सो द आंसर विल बी 12 इंटू 9 डैट इज 108, प्लस खुद का हाफ, प्लस खुद का हाफ डैट इज 54, एंड ऐड करेंगे 12 टू 16 एंड 1, आंसर इज 162. तो आंसर इज 162 एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर. आंसर की में भी यही गिवन है, बट दिस इज़ द प्रॉपर्टी जो एग्जाम में हमें स्ट्राइक करनी चाहिए. दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी किस फॉर्मूला बेस्ड और सम कॉन्सेप्ट बेस्ड. आंसर इज 162 कैसे आया, आई होप क्लियर हो गया. 12 इंटू 9 108, प्लस 108 का हाफ डैट इज 54. तो आंसर इज 162. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट कलर क्यूब रेड एंड येलो का मिक्स करके हमने एक क्यूबॉइड फ्रेम किया. वी हैव फ्रेम्ड अ क्यूबॉइड एंड द साइज ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 बाई 4 बाई 3. तो हाउ मेनी टोटल क्यूब्स आर देयर, 3 4 इंटू 3 डैट इज टोटल 36 क्यूब्स आर देयर. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर, 36 स्मॉल क्यूब्स आर देयर, इन विच द रेशियो ऑफ द येलो एंड रेड वन, रेशियो ऑफ येलो एंड रेड वन इज 1:3. सो हाउ मेनी रेड येलो क्यूब्स आर देयर एंड हाउ मेनी रेड क्यूब्स आर देयर आउट ऑफ 36. तो हाउ मेनी रेड क्यूब्स एंड येलो क्यूब्स आर देयर, सो वी डिवाइडेड 9/27. सो 9 येलो क्यूब्स मीन्स 1x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 36. तो x इज इक्वल्स टू 9 एंड वी पुट x हियर, राइट. सो वी गॉट 9 and 27. तो हाउ मेनी येलो क्यूब्स वी गॉट इन द गिवन फिगर, येलो क्यूब्स आर टोटल 9. तो हाउ मेनी इन द फ्रंट, 1 2 3 4 5, 5 क्यूब्स आर इन द फ्रंट, राइट. हाउ मेनी क्यूब्स वी आर इन द फ्रंट, टोटल 5 क्यूब्स आर इन द फ्रंट. तो हाउ मेनी येलो क्यूब्स आर हिडन, बस हमसे ये पूछा गया हाउ मेनी येलो क्यूब्स आर नॉट विजिबल. तो अगर 5 क्यूब हमें सामने दिख रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, 4 क्यूब्स. तो हाउ मेनी येलो क्यूब्स आर हिडन, डैट इज द 4 क्यूब्स आर हिडन. आई होप क्लियर हो गया एवरीवन, राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, अगेन टाइम वेस्ट टाइप क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रॉपर्टी और एनी ट्रिक, दिस इज अ टाइम वेस्ट क्वेश्चन जो वही बच्चा अटैम्प्ट कर पाएगा विच आर बेस्ड ऑन दी बीटेक और यू कैन से एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट, तभी पूछा गया है कि आप इसमें टाइम वेस्ट कर सकते हो. तो दिस इज अ एक्चुअल बेल्ट ऑफ द एरोप्लेन जिसमें हम लोग हुक लगाते हैं, एंड एक्चुअल इस बेल्ट का ओपन फिगर हमें गिवन है, इस बेल्ट का हमें ओपन फिगर हमें गिवन है. इन दिस ओपन फिगर हाउ मेनी मिनिमम स्प्रिंग वी नीड वी यूज, इस ओपन फिगर, जब इसको ओपन फिगर रखोगे तो अब मैकेनिज्म जो है इसको क्लोज करेंगे, पार्ट एक्स एंड पार्ट वाई क्या होगा, क्लोज होता है, राइट. तो इस मैकेनिज्म में मिनिमम कितने स्प्रिंग्स हमें यूज करना होता है, तो ये वही अटैम्प्ट कर पाएगा जिसने चीज़ देखी होगी. और जब इसको ओपन करके देखोगे तो इन हियर वी यूज टू स्प्रिंग्स, यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो. वी यूज टू स्प्रिंग्स, एक इधर क्लॉकवाइज होगा और इस हुक में एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक यहाँ पे क्लॉकवाइज और यहाँ पर एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये इसको बैलेंस कर पाए, सपोर्ट करेगा और ये लूज ना रहे. तो टू स्प्रिंग्स विल बी देयर, बट ये हम तभी अटैम्प्ट कर पाएंगे व्हेन
वी ऑलरेडी सीन दिस पार्ट राइट, तो इसको अटेम्प्ट करना इज नॉट. क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 टाइम वेस्ट क्वेश्चन है. एंड नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी स्टूडेंट आर आस्किंग मी सर हाउ टू कैलकुलेट द एम एस क्यू एंड मार्किंग, हाउ टू चेक एम एस क्यू मार्किंग. सो फॉर एम एस क्यू मार्किंग माई पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर इज सी एंड डी. ओके, अब फॉर ईच आंसर वी विल गेट द 4 मार्क्स, टोटल मार्क्स आर 4 एंड माइनस 1 नेगेटिव. सो अगर मैंने सी एंड डी मार्क किया तो आई विल गेट 4 मार्क्स, बट अगर मैंने सी मार्किंग करा तो इट्स नॉट अबाउट 50%, फॉर वन ऑप्शन आई विल गेट 1 मार्क्स राइट. अगर हमने डी मार्क किया तो भी मुझे 1 मार्क्स मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा. बट अगर आपने ए सी डी मार्क कर दिया, मींस आपने एक रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया, करेक्ट 2 किए बट साथ में ए भी मार्क कर दिया जो कि रॉन्ग 1 है, आपने ए भी मार्किंग कर दी, डेट इज़ द रॉन्ग 1, नाउ यू विल गेट माइनस 1 मार्किंग, नाउ यू विल गेट द निगेटिव मार्किंग. बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आपने सही भी मार्क किया साथ में, सही मार्क करो या ना करो, बट रॉन्ग 1 को आपको मार्क नहीं करना है. इफ़ यू मार्क इन एम एस क्यू अ रॉन्ग ऑप्शन देन यू विल 100% गेट अ निगेटिव मार्किंग. कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर मैंने ए सी एंड डी मार्क किया तो ए इज़ द रॉन्ग 1, सी इज़ द करेक्ट 1 एंड डी इज़ ऑल्सो करेक्ट 1, तो ए ने सी को बैलेंस कर लिया माइनस 1 प्लस 1 एंड डी में मुझे प्लस 1 मार्क्स मिलेगा. नो, यू विल गेट माइनस 1 मार्क बिकॉज आपने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया. सही करो या ना करो बट अगर आपने गलत किया, एक भी ऑप्शन गलत मार्किंग कर दी, तो यू विल गेट निगेटिव मार्किंग. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट हाउ द एम एस क्यू पार्ट विल गेट चेक्ड. सो ये प्लीज़ याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स जोड़िएगा, यू विल एड योर मार्क्स अकॉर्डिंगली टू एम एस क्यू राइट. वन क्वेश्चन जो मैं पेपर एनालाइज कर रहा था, आई फाउंड डैट यू कैन क्लेम योर आंसर्स, कुछ बच्चों ने अगर टिक किया. क्वेश्चन नंबर 33, इन क्वेश्चन नंबर 33 यू कैन क्लेम योर आंसर. द क्वेश्चन इज वट इज़ द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर द बोट टू अप्रोच द स्टेशन. स्टेशन हमें गिवन है, दिस इज द स्टेशन, दिस इज द स्टेशन. अब बोट जो है उसको हम मोटर से यूज नहीं कर रहे हैं, वो विंड और वाटर फ्लो का हमें यूज करना है बोट को मूव करने के लिए. यहाँ पे कोई मोटर नहीं है, विंड का डायरेक्शन दे रखा है हमें एंड फ्लो का डायरेक्शन दे रखा है एवरी केसेस, इन एवरी केसेस विंड का डायरेक्शन एंड फ्लो का डायरेक्शन इन एवरी केस हमें दे रखा है. नाउ विच ऑप्शन विल सुटेबल फॉर द बोट टू रीच द स्टेशन, स्टेशन ये रहा तो रीच हियर एट स्टेशन. तो ऑप्शन ए सेज जो विंड है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और फ्लो हमारा वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो बोट तो हमारा अवे हो जाएगा, गलत है. विंड हमारा नॉर्थ में जा रहा है बट फ्लो हमारा बैकवर्ड जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो अगेन रीच आउट नहीं कर पाएगा. ऑप्शन सी में फ्लो हमारा ईस्ट में है एंड विंड हमारा डाउनवर्ड है, तो बोट को वो अवे फ्रॉम द स्टेशन ले जाएगा डायगनली अवे, तो अगेन रॉन्ग वन हो जाएगा. बोट हमारा अवे फ्रॉम द स्टेशन हो जाएगा तो रॉन्ग वन हो जाएगा. बट इन ऑप्शन डी इट इज़ राइट, क्यों? बिकॉज फ्लो इज़ इन द ईस्ट एंड द विंड इज़ गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, नाउ द बोट विल गो डायगनली, फ्लो उसको आगे फॉरवर्ड ईस्ट में ले जाएगा एंड विंड हमारा नॉर्थ की टूवर्ड जा रही है, नाउ द बोट विल रीच द स्टेशन. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट और मोस्ट सुटेबल टू रीच स्टेशन, ऑप्शन डी में चांसेस ज़्यादा हैं स्टेशन पहुँचने के. बट इन क्वेश्चन नंबर 33 उन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है जो कि गलत है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग गलत है. इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. सो इन क्वेश्चन नंबर 33 यू कैन क्लेम द आंसर की, यू कैन क्लेम द आंसर की इन क्वेश्चन नंबर 33 सीड में ये गलत आया हुआ है, आंसर की गलत है राइट. इफ एनी अदर क्वेश्चन यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट कि भाई यूर आंसर इज रॉन्ग और भाई यू वॉन्ट टू क्लेम, तो यू कैन कमेंट एंड द बॉटम वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रीचेक एंड मैं अकॉर्डिंगली आपको उसमें हेल्प करूँगा. सो आई होप मैंने आपको हेल्प किया थोड़ा सा. रेस्ट हम लोग और वीडियोज़ को डिस्कस करेंगे और पेपर पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अबाउट द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अराउंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट वो लोग भी अपने एग्जाम में इसको हेल्प कर पाए, अपने यूसीड और सीट के एग्जाम पैटर्न्स में हेल्प कर ले, हाउ टू एनालाइज और व्हाट द पेपर आर देयर.
सो आई होप क्लियर है एवरी वन. सो थैंक यू सो मच. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू सो मच.